हंसानन करुणासन वृषभानन साजे Shiva is Brahma, Shiva is Shakti, Shiva is Bhakti. Avati, he is the universe itself. Savan is the holiest month of Hindu. It is observed from late July to the third week of August. The month has many significant factors. As yesterday, we all were blessed with blessing of Lord Shiva. Savan month is considered as one of the holiest months in the year as per the Hindu calendar. Why is the month called Shravan? It is believed that on the Purnima or full moon day or at any time during the month, the Shravan aaya barkha aayi, dal dal hariyali chai, dalo jhula aur jhulao, unchi unchi ping padao, upar jao niche aao, zor zor se khoob jhulao, bari bari sab mil kar jhule, uncha jaakar nakko chhule. हम सभी देख रहे हैं कि वी आर सेलिब्रेटिंग द सावन मंथ सेलिब्रेशन द स्कूल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल स्पेशली द पार्टिसिपेंट. दे हैव शोन वेरी गुड परफॉर्मेंस हियर. सावन का महीना, श्रावण मास जिसे हम बोलते हैं, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ. और आप सभी इस टाइम देखते हैं कि सारा देश
खास करके हिंदू कम्युनिटी में भक्तिमय होता है इस टाइम। और ये सावन के महीने में ऐसा क्यों होता है? माना जाता है, बड़ी सारी कथाएं हैं इसमें, कि हम इसको रेनी सीजन भी बोलते हैं। सावन के महीने में हम देखें तो हर जगह हरियाली, आप चारों तरफ नजर मारें तो आपको ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आएगी, जैसे लगता है कि पेड़ पौधे प्रफुल्लित बड़े खुश हैं, अपना पूरी हरियाली दिखा रहे हैं। और इसको धर्म सनातन धर्म से जुड़ा जाता है, क्योंकि श्रावण महीने में शिव जी की भक्ति जो है लोग करते हैं। इस टाइम आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर यात्रा चलती है, अमरनाथ श्री अमरनाथ जी की यात्रा, जो कि कश्मीर, कहते हैं कि शिव जी जो हम बोलते हैं क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स, सबसे शक्तिशाली, और उनको भोलेनाथ बोलते हैं क्योंकि बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर हम उनको उनके शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करते हैं तो बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस श्रावण मंथ में क्या महत्व है कि उन्हीं का नाम सब जपते हैं, शिवमय जो है पूरा देश होता है। तो माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, जब देवताओं और राक्षसों में बड़ा जब भयंकर युद्ध हुआ था, उसके बाद समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र में से अमृत मिला और विष मिला, जहर मिला। अमृत लेने के लिए सारे लाइन में आ गए, जहर कौन ले, विष कौन पान करे? तो सभी देवताओं को जब परेशानी होगी कि इस विष का ग्रहण कौन करेगा, तो शिव जी ने उस विष को ग्रहण किया, उन्होंने उस विष को पी लिया और अपने गले में कंठ में यहां रोक लिया। तो हम कभी देखते हैं कि उनकी फोटो चित्र हम देखते हैं तो ये जगह डार्क होती है, तो माना जाता है कि उनका जो विष उन्होंने पिया वो अपने गले में कंठ में यहां तो अभी तक तो रोका हुआ है। और जब विष का पान किया तो बड़ी गर्मी, क्योंकि विष कोई छोटा मोटी थोड़ी, तो बड़ी ज्यादा गर्मी पैदा हुई। उस गर्मी को ठंडा करने के लिए शिव जी के बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तो सभी देवताओं ने फिर उन पर जल अर्पण किया, मानव उनको नलाया, जल अर्पण किया, तो वो थोड़े शांत हुए। तो इसी से जुड़ता है कि इस महीने में तो बारिश हो रही नेचुरल, ठीक है, और इस महीने में मैक्सिमम लोग मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं, इसी से जुड़ा है। दूसरा, हम सबको पता होना चाहिए, तो हम आज यहाँ पर आलमी श्रावण मंथ तो काफी से शुरू हुआ है, और फिर हमारे हिंदू समाज में भी लेडीज भी जेंट्स भी बहुत सारे लोग सोमवार सोमवार को व्रत रखते हैं श्रावण मंथ में। लेकिन और कहने का मतलब है, भाव मन में अच्छे होने चाहिए, हम अगर सच्चे मन से उनको माने, याद करें, तो सारी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आज इस पावन दिवस पर जहाँ की हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं भगवान शिव भोले शंकर से प्रार्थना करूँगा कि हमारे स्कूल में सब बच्चे, सब टीचर्स को, हम सबको आशीर्वाद दें, हम भी उनको याद करते हुए आगे बढ़े, और हमारे अंदर जो विकार हैं, जो बुरी आते हैं, हम उनको दूर करें। सोचता है शिव जी की आराधना करने से हमारी बुरी आते दूर हो जाएं, हम अच्छे बन जाएं और हम कामयाब बने। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि शिव शंकर सबका भला करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर बम बम, जोर से बम 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 बम।